So, good afternoon class. Today I am going to start a new chapter, that is periodic classification of elements. The first question is that why there is a need of classification, why we classify elements. And the answer of this question is, first point is that as we know there are 114 elements in our periodic table. And it is not an easy job to learn the properties of each and every element. So that is why classification is mandatory or necessary. Second point is that to remember the properties of a group is easy in comparison to a single element. So, हमने क्या किया? बहुत सारे attempts किए और बहुत सारे attempts करके जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई कर दिया. पहले बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम मेंडलीव का मानते हैं. और मेंडलीव ने जो हमें एक आइडिया दिया था किस तरीके से हम बना सकते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल, उसी के बेसिस पर आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है, जिसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं. अब इन 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को तो लर्न करना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को लर्न करने की कोशिश करना शुरू करें तो दैट इज नॉट एन इजी जॉब. वो आसान नहीं होता, वो एक टफ जॉब होता है. तो इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत थी. द सेकेंड पॉइंट इज मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ केओस, अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. सबसे पहले तो मैं लुईस की बात करूंगी, सॉरी डाल्टन की, क्योंकि डाल्टन ही एक वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पार्क पैदा किया, लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया. डाल्टन ने कहा कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, डाल्टन ने कहा. इसी के साथ साथ क्लास 9th में आप पढ़कर आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में. अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो डेवलप हुई. क्या रीजन था कि जो आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस तरीके से डिजाइन हुई. द मेन पॉइंट इज दैट, वो मेन पॉइंट था दोनों बार का. सो सबसे पहला अटेम्प्ट इन्होंने माना है डॉबरनियर ट्रायड्स. ट्रायड्स का मतलब होता है 3. डॉबरनियर ने क्या किया, जिस मोमेंट पर डॉबरनियर ने अपने डॉबरनियर ट्रायड्स दिए हैं उस मोमेंट पर हमारे पास एलिमेंट्स का नंबर ज्यादा नहीं था, जिस वजह से एलिमेंट्स का नंबर ज्यादा ना होने की वजह से क्या हुआ कि जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर थे उन्होंने उनको 3-3 के 3-3 के ग्रुप में बांट दिया और कहा कि जो बीच वाला एलिमेंट है अगर हम उसका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें जो उसके कॉर्नर पर दो एलिमेंट्स रखे हैं, एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, उन दोनों के एटॉमिक मास को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट. लेकिन ये जो डॉबरनियर ट्रायड का जो एक ये अटेम्प्ट था ये थोड़े से समय बाद ही रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस मोमेंट पर बहुत थोड़े से एलिमेंट्स नोन थे और जो न्यू एलिमेंट्स उस टाइम पर खोजे जा रहे थे उनके साथ ये पॉसिबिलिटी नहीं आ पा रही थी. दैट इज द रीजन. इसीलिए अब मैं आपको डॉबरनियर ट्रायड दिखाती हूँ उन्होंने किस किस को अरेंज किया. देखिए आप, इन्होंने इन इनको अरेंज किया. इन्होंने लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम को एक साथ रखा, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम को एक साथ रखा, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन को एक साथ रखा. और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ जो टेबल है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक, कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम एंड बैरियम, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इस तरीके से उन्होंने रखा. और इससे आप देख सकते हैं कि आपका जो इसका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है उसको लीजिए, आर्सेनिक का एटॉमिक मास लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो आ जाएगा. ये कुछ जगह तो पॉसिबल हुआ लेकिन कुछ जगह पॉसिबल नहीं हुआ, तो थोड़े ही समय में इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया.
उसके बाद आते हैं न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव्स। एक्चुअली ये जो वर्ड ऑक्टेव है ये ऑक्टा गन से या ऑक्टोपस से लिया गया है, विच हैज एट आर्म्स। ऑक्टोपस का मतलब होता है जिसकी एट आर्म्स होती हैं, ऑक्टागन का मतलब होता है जिसमें एट साइड्स होती हैं। सो डॉबरवियर के बाद न्यूलैंड ने अपना दिया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और इन्होंने जितने भी एलिमेंट उस टाइम पर डिस्कवर हो चुके थे ही अरेंज देम इन अ ग्रुप ऑफ एट, एंड ही स्टेटेड दैट एवरी एट एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। इन्होंने कहा कि जो एट एलिमेंट है वो वही प्रॉपर्टी रिपीट कर रहा है जो कि पहला एलिमेंट रिपीट करता है या जो पहले एलिमेंट की है, इन्होंने ये कहा। तो ये वाला पर जो पॉइंट था ये कुछ एलिमेंट्स तक तो पॉसिबल हुआ, जैसे कि 20 तक के एटॉमिक नंबर्स के साथ तो ये पॉसिबल हुआ, लेकिन उसके बाद ये भी रिजेक्ट हो गए, क्योंकि जब और ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये भी रिजेक्ट कर दिया गया। अब मैं आपको इनका वो दिखाती हूँ, चार्ट जो उन्होंने बनाया था इस तरीके से बनाया था इन्होंने, हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो एट्थ एलिमेंट आया फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टीज इन्होंने हाइड्रोजन से मैच की। उसके बाद सोडियम आया तो उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच की। मैग्नीशियम आया तो उसकी प्रॉपर्टीज बोरोन से मैच की। तो दिस इज द वे इन विच ही ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बट आफ्टर सम टाइम ये भी लॉ जो था ये वॉयलेट हो गया, क्योंकि शुरू के जो पीरियड्स हैं हमारे उनमें तो एट एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब आगे हमारे एलिमेंट्स का नंबर बढ़ जाता है तो ये जो लॉ है ये वॉयलेट हो जाता है। इसीलिए इसको एक चीज से और कंपेयर किया गया, म्यूजिकल नोट से। आपको पता है ना सात सुर होते हैं, सारे गामा पा धा नी, ये सात सुर होते हैं, उसके बाद फिर से सा आ जाता है। तो जैसे ही यहाँ पर भी कि एवरी एर्थ एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, तो इन्होंने इसको म्यूजिकल नोट से भी कंपेयर किया है। इसके बाद आता है हमारा, अब इसकी जरा हम ड्रॉबैक्स देख लें। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि 1 से लेकर 20 तक के ही एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट डिड नॉट पजेस प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। दूसरा ड्रॉबैक था, इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर, बट लेटर ऑन सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड एंड हुज प्रॉपर्टीज डिड नॉट फिट इन टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उन्होंने ये सोचा कि अब कोई 56 एलिमेंट हो गए हैं डिस्कवर, अब और नहीं होंगे नेचर में डिस्कवर, तो उन्हें लगा कि मेरा लॉ तो इनके साथ तो प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन बाद में और भी एलिमेंट्स हुए डिस्कवर जिस वजह से इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है उन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हुआ। थर्ड था, इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इन टू हिज टेबल न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट्स अंडर द सेम स्लॉट लाइक कोबाल्ट एंड निकिल। उन्होंने क्या किया, निकिल और कोबाल्ट की जो नेचर है वो सेम नहीं है, वो एक साथ रख दिए, कुछ ऐसे एलिमेंट्स एक साथ रख दिए जिनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं थी, और जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी जो प्रॉपर्टीज थी सेम होते हुए भी उनको अलग रख दिया। तो दिस इज अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो इसलिए वो इररिलेवेंट माना गया। मॉडर्न ऑर्डर ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडेलीव वॉज अ इंटेलिजेंट पर्सन, मेंडेलीव बहुत इंटेलिजेंट पर्सन थे। उन्होंने क्या किया, अपने घर की एक दीवार पर कीले ठोकी और उन्होंने कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए। हर फ्लैश कार्ड पर उस एटम की, उस एलिमेंट की जो थी आपकी, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज लिखी, एटॉमिक मास लिखा, और उनकी वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन लिखी, और कंपाउंड्स जो बने वो लिखे, और उसके बाद जो जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती गई वो उन एलिमेंट्स को सेम नेल पर टंगते चले गए, उन फ्लैश कार्ड्स को वहां चिपकाते चले गए, एंड इन दिस वे ही फाउंड द एक जनरल, इन्होंने एक बेसिक आइडिया दिया फॉर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेंडलीव ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने में। दिस इज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें और आज की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में खास बात है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में भी 18 पीरियड ग्रुप्स थे और 7 पीरियड्स थे, और हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप हैं। इन्होंने क्या किया, हर एक ग्रुप को ए बी में बांटा, और जो इनका जीरो ग्रुप था उस जीरो ग्रुप को उन्होंने 3 ग्रुप्स में बांटा, तो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ जो हमारे ग्रुप्स आए वो 18 हो जाते हैं। दिस इज अबाउट द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और जिन एलिमेंट्स को वो ढूंढ नहीं पाए थे उस मोमेंट पर, जो एलिमेंट्स नहीं नोन थे, उन एलिमेंट्स के लिए उन्होंने मेंडलीव ने जगह भी छोड़ दी थी। सो व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो पहला अचीवमेंट तो यही था कि उन्होंने उन एलिमेंट्स को एक साथ रखा जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, और साथ ही साथ जो एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए थे उन एलिमेंट्स के आगे उन्होंने एका लगा दिया। एका मतलब होता है वन, ठीक है, नेम ऑफ द प्रीसीडिंग एलिमेंट के साथ। मतलब जैसे एल्यूमिनियम के आगे वाला एलिमेंट नहीं पता लग रहा था तो उन्होंने एका एल्यूमिनियम लिख दिया कि एल्यूमिनियम से आगे आने वाला एलिमेंट। एका का मतलब होता है वन। नाउ लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के ड्रॉबैक्स क्या है? पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास से डिफाइन होती है, एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, जबकि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। दूसरा, इन्होंने कुछ ऐसे एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं थी, और कुछ ऐसे एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी। तो एक ये बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की। दूसरा, हाइड्रोजन की पोजीशन वो नहीं सेट कर पा रहे थे कि हाइड्रोजन को कहाँ रखना है, ये भी एक ड्रॉबैक थी उनकी पीरियोडिक टेबल की। एक, उनकी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। आइसोटोप्स होते हैं जो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो, तो हम ये कहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम जो थी, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, लेकिन वो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए और वो आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं बना पाए। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स जो कि हम मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करते हैं।